بسم الله الرحمن الرحيم حمدك يا الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وعلم آدم الأسماء كلها صدق الله العظيم حصول برکت دے واسطے ایک مرتبہ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم المعصومین حمد و ثنا تو بعد اج دیے خوبصورت عرس مبارک دی تقریب حضرت خواجہ خواجگان شیخ المشائخ شیخ الشیوخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے عرش مبارک دی خوبصورت تقریب ہے جس دی صدارت بہت ہی محبت اور اخلاص والی شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت جناب محترم غلام قدیر احمد نقشبندی صاحب زید شرفہ اور اس آستان دے جتنے صاحبزادگان محبین متوسلین متعلقین اللہ تعالی سب نو جزائے خیر عطا فرمائے عزیزان محتشم چند گزارشات وقت دی ضرورت اور اہل سنت و جماعت نو انتہائی جو درپیش چیلنجز نے انہاں تے ایک بنیادی گزارش پیش کرنا چاہوں گا چونکہ میں ایک ایسے آستان تے کھڑا ہوں جو اہل سنت و جماعت دا ایک ذمہ دار آستان ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اہل سنت دے ہر آستانے نو ایسا فرما دے چند سالاں دے اندر ایسا دیکھنے نوں مل رہا ہے کہ کثرت دے نال ساڈے درباراں تے بیٹھے گدی نشین اور مختلف ناماں دے نال منسوب پیر جو ہیں انہاں دا رافضیت دی طرف بہت زیادہ جھکاؤ ہو رہے ہیں میں جو گزارشات پیش کر رہے ہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے سارے ایک دفعہ محبت نہ بولیے سبحان اللہ میں کوئی شولہ بیان یا اس طرح دے انداز وچ نہیں بلکہ میں درد مندانہ اپیل کر کے میں مائک چھوڑ دینا اتنی زیادہ اہل سنت و جماعت دے اندر تذبذب اور عجیب کیفیت دا سماں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت صاحبزادہ مفتی میاں تنویر احمد صاحب ماشاءاللہ زندہ باد عزیزان گرامی قدر وجہ کیا ہے کیا آل سنت و جماعت پیسہ نہیں خرچ کر رہے یا پھر کیا آل سنت و جماعت وقت نہیں دے رہے موجودہ دور دے اندر دو چیزاں بہت اہم ترین ہیں
समझ आ रही है यार। मैं दोस्तों तस्वीर बनाना कहूंगा, मेहरबानी करो थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं एक बड़ी इंतहाई अहम बात कर रहा हूँ। आप तशरीफ रखो यार, इतने जिथे है संगी बैठ के तस्वीर ना, ज्यादा जरूरी है साड़ी बात है जो मैंने करने का मौका मिले और मैं चाह रहा कि मैं सही तरह आप तक पहुंचा देवा। आप सब की तवज्जो हो गई है। दो चीजें इंतहाई अहम होंदियां, वक्त जो कि आज हर बंदा असि एक दूसरे बंदे नूं पुछिए ना भाई यार चाय पीण आ जाते हो, कहिंदा यार मेरे कोल टाइम नहीं। यानी चाय पीण दा भी टाइम हुण साडे कोल नहीं रहा, और पैसा दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद महाफिल ते पैसा भी खर्च हो रहा है और अवामे आले सुन्नत वक्त भी निकाल रहे, पैसा भी खर्च हो रहा है और वक्त भी निकाल रहे, पैसा भी दे रहे हैं, वक्त भी दे रहे हैं, लेकिन कौम के अंदर जो बेदारी जिस तरह होनी चाहिए थी या जो सिलसिला होना चाहिए थी उस तरह नहीं, तो उसकी वजह की है, किस जगह पे आके परेशानी बन गई कि कौम पैसा भी दे रही है, वक्त भी दे रही है, लेकिन ग्रोथ उस तरह नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए थी। तो सुनिए एक छोटा सा तजिया मैं भी आपके सामने बयान करूंगा, बयान कर रहा हूं। अजीजो अपनी महाफिल का तरीका बदलो भाई, आप जो है देख रहे हैं लोग, कोई इधर देखता है, कोई इधर देखता है, कोई इधर देखता है, भाई मेरे हाल तवज्जो करो ना यार, तवज्जो करो, मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूं। अपनी महाफिल का तरीका बदलो। अगर तुम चाहते हो कि इन्हां महाफिल तो फायदा मिले और इन्हां आस्थानों से और इन्हां महाफिल के विचों सानू फ्यूजो बरकत मिलन, तो तरीका बदलो। उन्हें तरीकों के सब तो पहले इस दौर का दज्जाल और जाहिल तरीन जिसन असी नकीब का नाम देने, खुदारा कितने लोग इतने बैठे हो गए महाफिल कराने वाले, मैं गुजारिश करांगा अपनी महाफिल इन्होंने नकीबा खत्म करो। आप मेरी बात समझ आई है कि नहीं? 6 घंटे की महफिल हो, 3 घंटे नकीब लेंदा है जेड़ा बंदर की तरह इत्थों टपना शुरू करता है और दूसरी तरफ तक टपता लगा जाता है और मसनद सदारत पे बैठा ऐसा पीर जिसकी दाढ़ी हुजूर की सुन्नत के मुताबिक नहीं, वो एक लम्हे के अंदर उसको गौस भी कह देता है, कुतुब भी कह देता है, बली भी कह देता है, और पीर साहब थले बह के राजी हो रहे होंगे ने कि मैनू नकीब ने बली भी कह छड़े तो सखी भी कह छड़े। अरे अल्लाह के बंदो, इस चापलूस कौम और इस खुशामदी और झूठी कौम तो अपनी जान छुड़ाओ, इत्थे मुस्तफा करीम दे दीन दी खिदमत असी तां ही कर सकने आ जे अपने स्टेज तो सब तो पहला कदम दुरुस्त कर लो। सीने का जोर ला के यार, ठहरो जी मैं नारा लगवाना, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, और नहीं यार जरा एक बार डट के बोलो, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। तो जो है जी बाबा इन नकीब सन की दे रहे, सब तो ज्यादा नुकसान साडी महाफल के अंदर नकीब कर रहे हैं, और फिर इन्हों का अंदाज कैसा है? ये जी मेरा जौक है, उसका जौक अकीदा या सुन्नत व जमात दे बिल्कुल बराक्स है, और साड़ी समाज करने वाली कौम
इस कदर खामोशी नाल सुन रही हुंदी है। मैं आप आबाब नूं दर्दमंदा ना अपील करांगा, जदों भी स्टेज दे उत्ते बोलण वाला बंदा अकीदा आले सुन्नत तों एक राई दे दाने जितना भी इद्दे ते हटण लगे, खुदारा अपने अंदर जज्बा पैदा करो, उठ के खड़े हो जाया करो और आख्या करो बेली सानू तेरे बोलण दी कोई लोड़ नहीं, सानू ओ बंदा चाहिए जिहड़ा फिक्र रजा बयान करदा। अगर अकीदा या सुन्नत के खिलाफ जा रहा है तो फिर कैसा जौक है तेरा? ऐसा जौक छन नहीं चाहिए। और तुसी महाफिल करांदे हो, तुसी अपनी मोहब्बत चुनते हो, थानू नहीं पता कि वो की करके जा रहे हैं, सानू की दे के जा रहे हैं, और बाद दे अंदर लोग जो है ने उसी तरह दा राग लापन लग पौंदे ने। लिहाजा सब तो पहले इन्ना इन्ना नुकाबात तू जान छुड़ाओ। दूसरी बात, नाथ खान मैनू समझ नहीं आती, सारी सारी रात मेरी कौम वो पिछे ढोल बज रहा हुंदा है और उसनु दफ का नाम दे के कौम दे अंदर इस कदर अजीब चीज पैदा की जा रही है कि महफिल नाद दे नाम ते सारी सारी रात जाके मैनु इश्क दा रंग चढ़िया, मैनु इश्क दा रंग चढ़िया, मैनु इश्क दा रंग चढ़िया। मैं इश्क दा रंग चढ़े कुछ समझ आई है कि नहीं आई? नहीं मैं बोल बोल बाग मदीने दिया ते मैं की करना है बाग बहारा नू, मैं कहा तेनू 20,000 रुपया ना देवे, बोल बोल तू एदे आउंदी ने यार, बोलो जरा ये कैसी बोल बोले जेडी आखदी है मैं की करना है बाग बहारा नू, बोल बोल 20,000 रुपया ना देवीए ते तू साडे स्टेज अल विछदी भी नहीं, ये बोल बोले रहण दे, सानू तेरी बोल बोल दी जरूरत ही कोई नहीं, सानू इमाम अहमद रजा ही काफी है। और मैं अपने कौम को गुजारिश करना चाहूंगा, मिजाज बनाओ, सानू नहीं चाहिए अहमद अली हाकम दिया लिखिया ना था, सानू नहीं चाहिए, सानू नहीं शहबाज कमर चाहिए, असी शहबाज कलंदर दे मन वाले। सुनियो बदलो अपना मिजाज, सुनियो कदू जागना जे, कदू बेदार होना जे, सानू अकीदा अहमद अली हाकम देना है, और सानू अकीदा उस शबाले देना है जिंदे चेहरे ते जे नबी दी सुन्नत नहीं आई। और मेरी कौम सारी सारी मैं साफ करांगी बकरियां दा वाड़ा ते हलीमा मेनू नाल रख ले, मैं कह शकल है ही बोलो यार, जिम्मेदार स्टेज से बोल रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी के जरा सही तरीके ना बोलना, जरा मोहब्बत ना बोलिए, सुभान अल्लाह। लिहाजा मैं वक्त बचाना चूंकि मैं तो खाम खा भी चैड हुआ, लिहाजा नाथ खाना तू भी जान छुड़ाओ, नाथ उस बंदे को सुनो जेड़ा तेनू ये दसे जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनों मकान दहन में जुबान, हम आए यहां उठेंगे वहां, उन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। मिजाज बदलो अपनी नातों का, पता ही नहीं चलता नात सुन पढ़ाई पढ़ी जा रही है या कुछ और किया जा रहा है। और तीसरे खुताबा, बस मेरी गुफ्तगू खत्म होने लगी है, साडे स्टेज से जो ज्यादा नुकसान कर रहे ने तीसरी कौम केड़ी है? खुताबा दी। और साडे खुताबा एडे पढ़े लिखे ने
कि उन्होंने फिका की सब तो औखी किताब हिदायत उल्लाह लगती है। कोई समझ आई जिन्हें नहीं है बोलो सुभान अल्लाह। हर गली दे अंदर तू कौन है? मैं भी आसी हूं। मैं कहा वाकई आसी है, वाकई आसी हो गए। ओ मेरी मिठी कौम, ओ खुदा दा वास्ता जो पैसा भी देंदे हो, ओ वक्त भी देंदे हो, कम अज कम हुजूर दी तारीफ उस बंदे को सुन जिन्नू हुजूर दे दीन दी समझ होवे। खतीब बोलता है, वो आखद है जितने इस महफिल चैन सारे बख्शे गए ने। मैं कहा तेनू खुश कर छड़िया इन्हें इस वास्ते सनद दी जाने बस सारे बख्शे गए ने। खुदारा मैं बस सिर्फ इतना इशारा करना सी, मेरी जिम्मेदारी सी, मैं करके जा रहा हूं। ऐसे खुताबा तो अपनी जान छुड़ाओ, ऐसे खुताबा नु मत बुलाओ जेड़ा खुद तेरे को आन तो पहले तेरे नाल बारगेनिंग करके तेरे नाल सौदेबाजियां पे करदा है। उस जालिम नु आप किसे मंडी ये टुर जा, जाके आलू ते मटर दा रेट मुका करके ते पैसा कमा लवी। ए हुजूर दा दीन है, इत्थे ते तिजारत छड़ दे। सुनियो मदारस कदू आबाद करने जे, भला होवे इलियास सत्तार कादरी साहब दा। सिर्फ खान काम बनाने पर रह गए, असा सिर्फ और सिर्फ अपने आस्ताने चमकाए, असा हुजूर दे दीन दी खिदमत ना की। अज कदी काश हुजूर दे दीन तो दूरी ना हुई हुंदी, ए हालत ना हुंदी। आखिरी कौम और मेरी बात खत्म, आखिरी कौम है जड़ी मंदे भी बड़े हैं ते जालिम भी बड़ी है। पहले सर नकीब, फिर नाथ खां, फिर खतीब, आखिर ते आ जांदा पीर। बोलो जरा सुभान अल्लाह। मठी जी करके गल समझावा, रब्बे काबा दी कसम है कदी ये पीर दीन दे गद्दार ना हुंदे ते अज मेरे नबी दे दीन नाल ए कम नहीं सी होना। सब तो ज्यादा पैसा जिस हाथ चुमा के बटोरिया है वो है भी पीर, और जिसने सब तो ज्यादा दीन नु नुकसान दिता है वो भी पीर। मैं एक नंबर पीरा दी गल नहीं कर रहा, उन्ना दे कदमा दी खाक मेरी अखां दा सुरमा बनाओ। मैं उस पीर दी गल कर रहा जेड़ा नजराने लैण वास्ते तो मुरीदां च बह जावे, पर नबी दी नामूस दी गल होवे ते एसी वाले कमरे च बह के आखे मैं गैर सियासी हां। बखा पीरा सारी जिंदगी हो गई हुजूर दे नां ते हाथ चुमांदे हां ते हुजूर दे नां ते पैसे लेंदे हां, तो यारा अज हुजूर दे नां ते जे तेरी जुबान नहीं खुली ओ जालिमा, जिस दर दा गाइए दुनिया दा असूल है उस दर दा गाइए। शेरियाल सुनत किबला मुफ्ती साहब आप मुख्तलिफ आस्थानों से जाते हैं, साढ़े अवैस मुर्तजा नूरी साहब आप भी बड़े अच्छे खतीब ने, आप भी मुख्तलिफ जगह से जाते हैं। मैं इन हस्तियों का सहारा लेंदे हुए गल करा, सब तो पहले अपने पीरों को ईमान दियां सिफतां सुनो। बाकी दीन रहन दो, सिफाते ईमान सुनो। झंडे थले खलोना ना दाड़ी है ना दीन है, ये कौन ने जी? ये साहबजादा साहब ने। मैं साहबजादा साहब ते है ने, कोई दीन भी जानते नहीं है नहीं। जी ना इतने बेअदबी ना करे, इतने साढ़े पीर ने।
ਮੈਂ ਪੀਰ ਰਿਆ ਜਣੇ ਸਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਵੇ ਨਹੀਂ ਪਰਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰੀ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋੜ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜੇ ਪੀਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰੀ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਆਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੋੜ ਮਗਰ ਜਾਸੇ ਉਧਰ ਤੋਂ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਧਰ ਜੂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਸਣਾ ਹੀ ਅੱਜ ਹੀ ਨਸ ਜਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਵੇਲੀਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅਹਲ ਬੈਤ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਵੀਰੇ ਮੁਆਵਿਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਗਾਹ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮੀਰੇ ਮੁਆਵਿਆ ਤਾਈ ਹਰ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰ ਹਰ ਸਹਾਬੀਏ ਨਬੀ ਹਰ ਸਹਾਬੀਏ ਨਬੀ ਹਰ ਸਹਾਬੀਏ ਨਬੀ ਬਾਬੇ ਰਾਂ ਨੇ ਸਤਿੰਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਤਵਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਮੁਕਤਦਰ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼ਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸੁਣੀਓ ਮੁਹਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲ ਵੀ ਕਰਾਣੀ ਮੁਹਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਣੀਆਂ ਜੇ ਰਬੀ ਅਲਵਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਣੀਆਂ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਕੀਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਤਨੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੀਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਖੋ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੜਾਓ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ ਦੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਭੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹੀ ਤਾਲਾ ਲਈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਲਮੁ ਬਾਜੀ
जिन्ना मिलिया यार ही अगा